हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से लाइस्टर सिटी और लिवरपूल के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितने असिस्ट किए हैं। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो प्रीमियर लीग के जो पॉइंट्स टेबल है, उस पॉइंट्स टेबल पर इन दोनों टीमों की क्या रहती है पॉइंट्स सर्टेनिटी। तो देख लेते हैं यहाँ से पॉइंट्स टेबल को। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ से लाइस्टर सिटी जो कि थर्ड पोजीशन पर है, वहीं पर बात कर जाए लिवरपूल जो कि फोर्थ पोजीशन पर है। तो गाइस लाइस्टर सिटी ने 23 मैच खेले जिसमें से 13 मैच विन किए, 4 मैच उसने ड्रॉ खेले, 6 मैच किए लॉस, 39 गोल करें और 25 गोल किए कंसीड। तो गाइस 23 मैच में 39 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका टेक है, प्रत्येक मैच में 1.8 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 23 मैच में 25 गोल कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज काफ़ी बेहतरीन है लेकिन डिफेंसिव वाइज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। वहीं पर बात करें लिवरपूल ने 23 मैच खेले जिसमें से 11 मैच विन किए हैं, 7 मैच ड्रॉ खेले, 5 मैच किए लॉस, 44 गोल करे हैं और 29 गोल किए कंसीड। वहीं पर बात करें इसने 23 मैच में 44 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका टेक है, प्रत्येक मैच में 1.9 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है, यानी 2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज है। वहीं पर बात करें इसने 23 मैच में 29 गोल कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस प्रत्येक मैच में 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज ये गोल करती भी है और डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं गोल कंसीड भी कर देती है। तो गाइस बात करें यहाँ से फेवरेट के बारे में, तो यहाँ से मैं फिलहाल के लिए लाइस्टर सिटी को काफ़ी बेहतरीन टीम मानता हूँ क्योंकि इसका ये होम ग्राउंड मैच है प्लस में, और यहाँ से इसका जो रिसेंट फॉर्म वो भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस बात करते हैं जब ये दोनों टीम आपस में खेलते हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो गाइस इन दोनों टीमों ने अभी तक पिछले 5 मैचों में से अभी तक लाइस्टर सिटी ने एक भी मैच विन नहीं किया, लेकिन 2-1 मैच ड्रॉ जरूर खेला, 4 मैच किए हैं लॉस, 0.6 गोल पर मैच स्कोर किया लाइस्टर सिटी ने, 2.4 गोल पर मैच कंसीड किया। लिवरपूल के अगेंस्ट में ये गोल कंसीड जरूर कर देती है लेकिन गोल स्कोर भी नहीं करती। तो गाइस बात करते हैं जब इन दोनों टीम बीच में पिछला मुकाबला हुआ था तो यहाँ से लिवरपूल 3-0 से विन कर गई थी, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से 4-0 से लिवरपूल विन कर गई थी, लेकिन सारे मैच यहाँ से लिवरपूल ने विन किए और एक मैच ड्रॉ खेला है। तो गाइस यहाँ से लिवरपूल का हेड टू हेड रिकॉर्ड तो काफ़ी बेहतरीन, लेकिन अब गाइस बात करते हैं यहाँ से रिसेंट फॉर्म बारे में। तो गाइस यहाँ से जो लाइस्टर सिटी का जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में, तो लाइस्टर सिटी ने पिछले 6 मैच में से यहाँ से 3 मैच विन किए हैं और 2 मैच खेले ड्रॉ, 1 मैच किया लॉस, 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया और 0.8 गोल पर मैच कंसीड किया, जो कि दिखता है इसका डिफेंस और भी सुधार किया कि यहाँ पॉइंट टेबल दिखा रहा था 1.1 गोल पर मैच कंसीड। तो अटैकिंग वाइज तो यहाँ से थोड़ा सा इसमें गिरावट आई लेकिन डिफेंसिव वाइज में इसने सुधार किया है। तो गाइस बात करें यहाँ से जो अपना पिछला मैच ये लाइस्टर सिटी ब्राइटन से खेलकर आई जिसमें से 1-0 से विन कर लिया, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से बॉल्स से 0-0 से ड्रॉ खेला, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से फुलहम से 2-0 से विन किया, बाकी यहाँ से लॉस किया और फिर यहाँ से ड्रॉ और विन किया था। तो इसका रिसेंट फॉर्म आपके सामने है। वहीं पर बात करते हैं जो लिवरपूल ने पिछले 6 मैच में से और 2 मैच ही विन किए हैं, अभी तक कोई ड्रॉ नहीं किया और उसने 4 मैच लॉस किए हैं, इसका रिसेंट फॉर्म देखो, और 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया, 1.8 गोल पर मैच कंसीड किया। पॉइंट टेबल पर दिखा रहा था पर मैच स्कोर एवरेजिंग 1.9 और डिफेंस दिखा रहा था 1.2। अब आप देख सकते हो इसका रिसेंट फॉर्म में इस गोल कंसीड भी किए और इसका अटैक में गोल करना भी बंद कर दिए। तो यहाँ से इसका रिसेंट फॉर्म इस तरह है। लेकिन गाइस बात करें जो पिछला मैच अपने मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ खेली थी जिसमें 4-1 से लॉस किया, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से ब्राइटन से इसने 1-0 से लॉस किया, ब्राइटन से उसी टीम ने यहाँ से विन किया था, और उससे पिछले मुकाबले यहाँ से वेस्ट हम से 3-1 से विन किया और फिर यहाँ से विन फिर इसने लॉस किया और फिर यहाँ से बर्नली से भी इसने लॉस किया। तो गाइस देख सकते हो इसने बॉटम टीम से भी लॉस किया है और फिर हाईएस्ट टीम से बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो यहाँ से लिवरपूल का जो रिसेंट फॉर्म है थोड़ा सा डगमगाई हुआ, इसलिए मैं यहाँ से बैक करने वाला हूँ लाइस्टर सिटी को। ऐसा नहीं कि यहाँ से कि लाइस्टर सिटी इस मैच को मुझे लगती है कि विन कर जाएगी, लेकिन लिवरपूल भी कहीं ना कहीं एक गोल तो जरूर करेगी। तो लाइस्टर सिटी को इसलिए बैक करूँ क्योंकि ये इसका होम ग्राउंड मैच है और ये होम ग्राउंड में ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है जब भी खेलती है। तो गाइस बात करते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए और कितने असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालेंगे यहाँ से लाइस्टर सिटी के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे यहाँ से लिवरपूल के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए कितने असिस्ट किए, देख लेते हैं यहाँ से लाइस्टर प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस लाइस्टर सिटी की टीम तरफ हाईएस्ट गोल यहाँ से जेमी वर्डी ने 11 गोल किए और इसमें 6 गोल किए पेनल्टी में, तो अपनी टीम तरफ पेनल्टी नेता नजर आएगा। वहीं पर बात करें यहाँ से गाइस बर्नेस ने 7 गोल किए हैं और यहाँ से जेम्स मेडिसन ने जिसने 6 गोल किए और यहाँ से यूरी टेलिसमैन ने 5 गोल किए, उसने 2 गोल पेनल्टी में किए हैं।
तो गाइस कुछ कंडीशन में पेनल्टी यहाँ से यूरो टेलिस्मान लेंगे जब यहाँ से जेम अवर्डी मतलब फील्ड में मौजूद नहीं रहेगा। और बाकी सभी ने एक दो दो असिस्ट गोल किए हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लेना इस टीम तरफ से और आपको आप काफ़ी आसान रहेगी टीम बनाने में। तो गाइस बात करें इस टीम तरफ जो हाइस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर किए उसके बारे में, इस टीम तरफ से हाइस्ट असिस्ट यहाँ से जेमी वर्डी ने ही 5 असिस्ट किए, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर, और यहाँ से जेम्स मैडिसन ने 5 असिस्ट किए और यहाँ से हार्वी बर्नेस ने 3 असिस्ट किए और बाकी सभी ने एक एक दो दो असिस्ट किए। आप स्क्रीन शॉट ले लें, काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप खुद की टीम बनाने में काफ़ी आसान रहेगी। तो गाइज अब बात करते हैं जो लिवरपूल के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए और कितना असिस्ट किए देख लेते हैं एक बार। तो गाइज लिवरपूल टीम तरफ से हाईएस्ट गोल यहाँ से मोहम्मद सलाह है जिसने 16 गोल किए और 6 गोल किए पेनल्टी में। तो वहीं पर बात करें सादी माने ने 7 गोल कर चुके हैं, रॉबर्ट फिरमिनो जिसने 6 गोल किए और डियागो जोटा जिसने 5 गोल किए, बाकी सभी ने एक दो दो गोल किए। आप स्क्रीन शॉट ले लेना, खुद की टीम बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो गाइज अब बात करते हैं जो इस टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर किए उसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइज इस टीम तरफ से हाइस्ट असिस्ट यहाँ से रॉबर्टसन है जिसने 5 असिस्ट किए और यहाँ से रॉबर्ट फिरमिनो जिसने 4 असिस्ट किए, मोहम्मद सलाह 3 असिस्ट किए, सादी माने 3 असिस्ट किए, बाकी सभी ने एक एक दो दो असिस्ट किए। आप स्क्रीन शॉट ले लें, खुद की टीम बनाना काफ़ी आसान रहेगी। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से इस मैच में क्या रहेगी हमारे ड्रीम इलेवन की जो टीम है उसके बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ सबसे पहले ड्रीम इलेवन की टीम को। तो गाइज फिलहाल के लिए हमने ये टीम बनाई है जिसमें कैप्टन बनाया है यहाँ से मोहम्मद सलाह को। अब आप सोच रहे हो यार यहाँ से फेवर तो लेस्टर सिटी को है लेकिन कैप्टन क्यों बनाए, क्योंकि सेफ पिक भी है प्लस में अगर इसे पेनल्टी मिलती है तो गोल भी कर देगा। अगर यहाँ से लेस्टर सिटी 1-0 से विन करती है तो उस कंडीशन में ये टीम मतलब ब्लॉकबस्टर जा सकती है, और वरना नहीं से यहाँ से फ्लॉप जाएगी सीधी बता रहा हूँ पहले। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो लेस्टर सिटी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है इस मैच में, क्योंकि अपना होम ग्राउंड में खेल रहे प्लस में इसका रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू यहाँ से लिवरपूल। आप चाहे तो यहाँ से कैप्टन जेम अवर्डी को बना सकते हो, टैलिसमैन को बना सकते हो, और लेकिन फिलहाल के लिए हमने यहाँ से कैप्टन बनाया मोहम्मद सलाह को, वाइस कैप्टन बनाया जेम अवर्डी को। अगर सलाह गोल भी नहीं करेगा तो अगर क्लियरेंस मतलब शॉट का पॉइंट देगा और की पासेस कब देगा उस कंडीशन में आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल सर्च कर लें क्रिकेट पोर्ट, जैसे आप क्रिकेट पोर्ट सर्च करोगे इस तरह लोग दिखाई देंगे जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल का। और अगर गाइस पहले ही बता दूँ, अगर ये इस मैच मतलब ये मैच लिवरपूल विन करती है ना 1-0 या 2-0 से, उस कंडीशन में भी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी टीम। और अगर ये यहाँ से लेस्टर सिटी विन करती है तो यहाँ से आपको पता ब्लॉकबस्टर तो होने वाले, क्योंकि यहाँ सब लाने वाले हैं यहाँ से लिवरपूल के डिफेंडर को। और लेकिन मुझे गट फील हो रहा कि इस मैच में कहीं ना कहीं यहाँ से लिवरपूल हार सकती है 1-0 से, क्योंकि इनका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल तभी ज्वाइन करना अगर लगे कि आपको लेस्टर सिटी इस मैच को विन करेगी उस कंडीशन में। अगर कुछ मैन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लिवरपूल के जो इस मैच में खेलने वाले नहीं, उस कंडीशन के अनुसार हम अपनी टीम में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर जाएगा, और अगर इस टीम में कोई चेंजिंग होगी तो फिर हम यहाँ से लिवरपूल को भी बैक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इतने के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो थैंक यू भाई।